फलकनाथ ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियाज इलियास, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अकील इलियास, ग्रुप डायरेक्टर फयाज इलियास और ग्रुप डायरेक्टर शकील इलियास की जानिब से एक और नए प्रोजेक्ट फलकनाथ ग्रैंड स्क्वायर एंड बाजार की इफ्तिताही और तामीराती काम का आगाज किया गया, जो कि मेन सुपर हाईवे गुलजारे हिजरी स्कीम 33M9 से मुतसिल मेमन नगर पर वाकया है, जिनमें बेहतरीन तर्ज़ जिंदगी मुहैया की गई है। और फलकनाथ ग्रुप अल्लाह ताला के फजलो करम से फख्र महसूस करता है कि बहुत से लोग अपनी छत के साए तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के हवाले से फलकनाथ ग्रुप की जानिब से एक पुरवकार तकरीब ग्रैंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रखी गई, जिसमें बहुत से मारूफ बिल्डर GFS के CEO इरफान वाहिद, रिजवान आडिया, आसिफ समसम, जीशान रफी, अशरफ ताई, अल्ताफ ताई, जावेद रियानी, मशहूर शख्सियत डॉक्टर फारूक सत्तार, हैदरी मार्केट के सदर सैयद मोहम्मद सईद, शेब खान और बहुत सी मौजूद शख्सियत ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सुमैरा अनवर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बिजनेस न्यूज प्रोग्राम करंट बिजनेस अफेयर्स। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, फलकनाथ के प्रोजेक्ट के हवाले से हम इनसे जानेंगे। सर बताइए आज के प्रोजेक्ट के हवाले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जैसे कि फलकनाथ अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए जो भी हम नया प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग या उसकी जो लॉन्चिंग के हवाले से हर किस्म के, उसमें जो रेजिडेंट्स जो यहाँ पे हमारे पास बुकिंग कराते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं, तो उनके रेजिडेंट्स या एकोमोडेशन के साथ साथ हम उनकी जो फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ हैं, जैसे जस्ट लाइक के क्लब बिल्डिंग्स हैं या इंडोर गेम्स हैं या इन तमाम फैसिलिटीज़ को भी हम मद्देनज़र रखते हुए एक प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। और यही एक रिवायत है फलकनाथ की कि जो भी हमने प्रोजेक्ट आज लॉन्च किए हैं, हज़ारों की तादाद में ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको हम प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं और वहाँ पे लोग आज आबाद हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, जो अपने रहने के लिए चाह रहे, जिन्होंने जो एकोमोडेशन हमसे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रॉपर्टी परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज वो सारी चीज़ों से जो है उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं और वो एक अच्छी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल उनका वहाँ पर गुजार रहे हैं। कितने प्रोजेक्ट्स अभी तक आप डिलीवर कर चुके हैं? फलकनाथ ऑलमोस्ट मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स जो है हम कर चुके हैं इस कराची शहर में भी, और कराची के साथ साथ इस वक्त जो है हम इस्लामाबाद में भी काम कर रहे हैं और नेक्स्ट पंजाब में लाहौर और रावलपिंडी में भी हमारे प्रोजेक्ट्स की इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो लॉन्चिंग है। तो फलकनाथ की एक मुस्तकिल जो एक लेगेसी है, उस लिहाज से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हों, चाहे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं या पब्लिक इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें फलकनाथ हमेशा अपनी जो है उस रिवायत और अपने उस ट्रेडिशनल को कंटिन्यू रखते हुए काम करता आ रहा है और आगे भी आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि और भी मजीद प्रोजेक्ट इंशाल्लाह लॉन्चिंग के लिए हम फलकनाथ अपने देगा इसमें। इसका मतलब ये आपने कहा 40 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, आपके आबाओ अजदाद तरफ से ये प्रोजेक्ट चलता हुआ आ रहा है, तो उस हवाले से बताइए कि कितने साल हो गए इसको? आज ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज तकरीबन 45 ईयर्स जो है 45 साल से जायद का एक अरसा हो गया है कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड से कमिटेड है फलकनाथ फैमिली, और 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वो हैं कि जो डिलीवर हो चुके हैं। एट प्रेजेंट ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन है तकरीबन 14 प्रोजेक्ट जो है इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर फिनिशेस हैं। जैसे कि आज का प्रोजेक्ट फलकनाथ ग्रैंड स्क्वायर एंड बाज़ार, ये इसकी एक आज लॉन्चिंग है और इसके साथ नेक्स्ट आने वाले चंद महीनों में जो है कुछ 5 प्रोजेक्ट्स और हैं जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लॉन्चिंग होनी है, जो पाइपलाइन में है। तो इंशाल्लाह सून हम इस चीज़ को भी हम एड्रेस करेंगे कि फलकनाथ के जो है 50th जो है हाफ सेंचुरी जो है प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट हो चुकी है इसमें। थोड़ा सा फलकनाथ के प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा कि कितने साल में आप डिलीवर कर रहे हैं? देखें, जिस तरह से पिछले प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, जो प्रोजेक्ट की कम्प्लीशन की मुद्दत तकरीबन 4.5 साल या मैक्सिमम 5 साल की हम देते हैं, उसकी भी रीज़न ये है कि जो बायर है उसको फैसिलिटेट करना होता है पेमेंट प्लान के लिहाज से। तो यहाँ पे भी हमने तकरीबन 4.5 साल की मुद्दत है प्रोजेक्ट को कम्प्लीशन के लिए, और ये हमारी मजीद उसमें हमारे एक बहुत मेजर टारगेट होता है कि विद इन जो टाइम पीरियड जो कंस्ट्रक्शन होना है स्टार्ट से लेके कम्प्लीशन तक, उसको हम टारगेटेडली उस पर काम करते हैं। तो पिछली रवायत को बरकरार रखते हुए इस प्रोजेक्ट को भी इंशाल्लाह विद इन टाइम कम्प्लीट किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है GFS के CEO इरफान वाहिद। जी हाँ, नाम ही काफ़ी है, इनसे जानेंगे आज फलकनाथ के प्रोजेक्ट के बारे में। सर आप आए कुछ बताइए। माशाल्लाह, ये फलकनाथ का शाहकार है स्कीम 33 में। मैं तमाम फलकनाथ की टीम को, फयाज़ भाई, अकील भाई, रियाज भाई और तमाम पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ज़बरदस्त ये प्रोग्राम किया है और अल्लाह ताला इसमें इनको कामयाब करे। हमारे साथ मौजूद हैं नामी गिरामी शख्सियत रिजवान आडिया, इनसे जानेंगे आज के फलकनाथ के प्रोजेक्ट के बारे में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
फलकनास ग्रुप के बारे में, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि इनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी है कराची में, वो बड़े कामयाब प्रोजेक्ट्स करते हैं माशाल्लाह। तो इस हवाले से फयाज़ भाई और रियाज भाई, अकील भाई और शकील भाई, चारों भाइयों को और इनकी तमाम फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह इनके प्रोजेक्ट को कामयाब और कामरान करे। बड़े खूबसूरत तकरीब का अरेंजमेंट किया है, प्लानिंग बहुत शानदार है, लोकेशन M9 के साथ मुतसिल है, आबादी के बीच में है और बहुत अच्छी जगह है। और अब मेरे ख्याल से इस इलाके में ये एक नया एडिशन बहुत खूबसूरत होगा इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है आसिफ समसम, चेयरमैन समसम ग्रुप। इनसे जानेंगे आज के इवेंट के बारे में। मैं हमेशा से मुतारिफ हूँ फयाज़ इलियास का, उनके भाइयों का, इनकी टीम का, कि कराची में जो हाउसिंग के हवाले से जो इनका कंट्रीब्यूशन है और जिस तरह वो प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। देखें, सबसे अच्छी बात ये होती है कि डिलीवर करना। बातें तो हम सुनते हैं कि तारे तोड़ के लाएंगे या कोई कहकशा बना देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने डिलीवर किया है, काम किया, अच्छा काम करते हैं। और मुझे हमेशा से जो डिज़ाइनिंग क्वालिटी ये जो डिलीवर करते हैं तो मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद शहर के हमारे ये बिल्डर हैं जिनमें फयाज़ भी सारे फहरिस्त थे, कि एक तो डिलीवर करता है, दूसरी बात शौक से काम करता है, प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान ज़की, चेयरमैन साइमा बिल्डर्स एंड डिवेलपर्स। इनसे जानेंगे आज फलकनास के प्रोजेक्ट के बारे में। सर, आज आप आए, बताइए जी। अभी फलकनास की बहुत ही प्राइम लोकेशन पे स्कीम 33 में प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस किया है। अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं माशाल्लाह। इसमें मिक्स डेवलपमेंट है, नीचे आई थिंक मॉल है और ऊपर अपार्टमेंट्स है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि जैसे जैसे शहर की आबादी बन रही तो हर इलाके के अंदर हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती, तो बेसिकली उसको बड़ा तरीके से इन्होंने मैनेज और मेनटेन किया इसके अंदर। और जिस तरह फलकनास पास बैकग्राउंड रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट बनाते रहे, अच्छी डिलीवरी टाइम रहा इनका, तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम टाइमली डिलीवर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रेनॉन पर्सनैलिटी फारूक सत्तार, से जानेंगे आज फलकनास के प्रोजेक्ट के बारे में। सर, आज के प्रोजेक्ट के बारे में। चारों तरफ मायूसी का दौरा है, महंगाई, बेरोजगारी, उसमें अगर कोई ऐसा काम हो जो कि मजबूत हो तामीरी, और फिर तामीरात के शोबे में जहाँ कराची जैसे मुश्किल उलझे हुए शहर में इतनी दुश्वारियाँ कि एक तो नक्शा पास कराना बहुत दुश्वार, दूसरा फिर अपनी ज़मीन को बार बार क्लियर कराना, फिर तीसरा अदालत में जाके बिला वजह के मुकदमे भुगतना, और फिर कस्टमर्स का भी एतमाद कायम रखना और उन्हें एफोर्डेबल हाउसिंग देना और अपना नाम कायम रखना और उम्मीद की तरफ लाना, तो ये हौसले की बात है। तो फयाज़, रियाज भाई, फलकनास, उन चंद तामीराती कंपनी और फर्जंदाने कराची में से हैं कि जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लोगों को बेहतर से बेहतर हाउसिंग के मंसूबे दे रहे हैं। ग्रैंड स्क्वायर फलकनास जहां हम हैं आज, ग्राउंड ब्रेकिंग पर, अफोर्डेबल भी है, मुझे यकीन है कस्टमर का एतबाद भी होगा, बिल्डिंग कंट्रोल, ज़मीनों के सारे मामला भी भुगत के क्लियर करके अब मैदान में खड़े हैं। भाग कर लाहौर या इस्लामाबाद नहीं चले गए या मुल्क छोड़कर, बहुत सारे बिल्डर बेचारे क्या करते, वारा नहीं खाता, फिजिबल नहीं होता, वो ये कराची को छोड़ के कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे, लेकिन ये कराची के बेटे और यहाँ टिके। तो पहले तो इन्हें मैं मुबारकबाद इस बात की देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अच्छी हाउसिंग होगी। इनका तो नारा भी है कि फलक तक चल साथ मेरे, फलकनास वाले हैं ना, तो फलक तक चल साथ मेरे, तो लोगों के मैार को बेहतर बनाएंगे, अच्छी हाउसिंग देंगे, एफोर्डेबल हाउसिंग देंगे, बहुत सारी दुआएं की कामयाबी। मैं फलकनास के प्रोजेक्ट को मुबारकबाद पेश करती हूँ और थैंक यू सो मच आपने हमें यहाँ पर बुलाया, बहुत सारी इज्जत, बहुत खूबसूरत माहौल है माशाल्लाह। किस ब्रांड को आप ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं? किस ब्रांड को? फलकनास को कर रही हूँ सबसे ज़्यादा। तो मैं फयाज़ इलियास साहब को बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिए पेश कर रहे हैं ये, और इनसे मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी बहुत जल्द कामयाब हो। मैं सबसे पहले आज की इस तकरीब में जो लॉन्चिंग सेरेमनी हुई है प्रोजेक्ट की, उसके रुए रवा रियाज इलियास फारूक, रियाज इलियास फलकनास साहब, और इसके साथ साथ फयाज़ इलियास फलकनास साहब का मैं कल्ब की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ मदु किया, और इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रोजेक्ट की कामयाबी पर। आज हम यहाँ फलकनास ग्रांड की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आए हैं। ये माशाल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा फयाज़ साहब जो इसके रूहे रवा हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इस इलाके की खुशहाली के लिए, यहाँ के लोगों की सर्विस के लिए ये एक बहुत ही इंशाल्लाह लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा।